गाइस, तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करूँ तो मैं अहमदाबाद के एक रविवारी मार्केट में खड़ा हूँ, जो अहमदाबाद की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मार्केट कही जाती है। यहाँ पे सारे सामान सबसे सस्ते भाव में दिए जाते हैं और सारे पुराने सामान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो नया होता है। यहाँ पे पुराने सामान होते हैं, जो जैसे हमारे घर पर कोई चीज़ ख़राब हो गया, मैं उसको ले जाकर कभी कबाड़े में बेच दिया, तो कबाड़े वाले को अगर लगा कि सामान थोड़ा भी सही है, उस सामान को ला के यहाँ पर बेचा जाता है। काफ़ी यार कम दाम में, तो मैं आज पूरे मार्केट का ब्लॉग करने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले ब्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक का। तो मैं पहले आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। तो चलो मैं देखने हम लोग देखना करेंगे स्टार्ट। और फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। चलो हम देखना स्टार्ट करते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो मार्केट में घुसने से पहले ही हमको दिख गया यहाँ पे, आपको दिख रहा साउंड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक ही है, सारे साउंड सिस्टम चालू है, बट ये नए हैं, पुराने नहीं हैं, ये नए हैं। और आप यहाँ पे देखो तो तमाम सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। आप यहाँ पे आके रविवारी मार्केट की सब बात है, आप यहाँ पे आके इसको परचेज़ कर सकते हो, तो ले सकते हो। उसके बाद मैं अगर बात करूँ और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान इधर भी रखे हुए हैं। ये रहे, धूप काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इसके ओनर शायद यहाँ पर नहीं हैं। और ऐसे भी आपको मैं कई सारे चीज़ें दिखाऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होंगे। अब यहाँ भी देख सकते हो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, ऐसा नहीं है इसमें सब कुछ पुराना ही होगा, इसमें नया भी है और पुराना भी है, दोनों मिक्स करके बेचा जाता है। और साथ साथ यहाँ पे कैमरे भी बेचा जाता है, कैमरा थोड़ा करीब करके दिखाऊँ, ये देखो आप यहाँ कैमरे भी परचेस कर सकते हो आप। और यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ही रखे हुए, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सारे सामानों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है, ऐसा कोई सामान नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ गेंद से लेकर बैट बॉल रिंच हथौड़ी सब और सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी, चार्जर वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इस साइड आप देख सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं, प्रेस वगैरह भी इधर रखे हुए हैं, यहाँ पे कैमरे भी हैं, इनके पास माउस भी है, उसके बाद इनके पास ये भी देख सकते हो, इधर घड़ी भी है, इस तरफ घड़ी भी रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा हुआ है, इस तरफ चार्जर भी है, इनके पास बाजा भी है, लैपटॉप नहीं भाई, इनके पास लैपटॉप नहीं है बट यहाँ पे अभी था, बट अभी लग रहा है बेच दिए, था अभी तक यहाँ पर, अभी नहीं रह गया। और इस तरफ मैं आपको इस तरफ और दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितने सारे हेडफोन रखे हुए हैं, एयरफोन रखे हुए हैं इस तरफ बड़े वाले सब, ये देख सकते हो आप ये सारे के सारे बड़े वाले एयरफोन हैं। और ये सारे चालू हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ख़राब हैं, चालू हैं सारे, बट पुराने हो गए इसलिए यहाँ पे इसको बेचा जा रहा है। और इस तरफ आप इस रिक्शे पर देख सकते हो यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी रखी हुई हैं, ऐसा नहीं ये लोग खाली एक ही चीज़ बेचते हैं, सारे चीज़ों को मिक्स करके लोग बेचते हैं। ये इस तरफ आप देख सकते हो जिससे कि फ़ोटो कापी किया जाता है वो मशीन, इस तरफ साउंड सिस्टम, यहाँ भी साहब तमाम सारे ऐसे ही चीज़ें रखी हुई हैं। और इस तरफ भी देखते हो यहाँ पे बुक्स भी बेचे जा रहे हैं, देखो बुक्स भी बेचे जा रहे हैं और इधर सब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेच रहे हैं लोग, देख सकते हो आप बुक भी बेचते हैं, उसके बाद साहब तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचते हैं। और यहाँ पर पुराने फ़ोन बेचे जा रहे हैं सामने, यहाँ देखते हो यहाँ पर पुराने फ़ोन, अरे भैया पुराने फ़ोन ले भी रहे हैं, भैया पुराने फ़ोन ले रहे हो, फ़ोन चालू है तो सारे के, ये देखते हो ये पुराना ये फ़ोन आपको 50 से 60 रुपए में मिल सकता है, ऐसा है। इस तरफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा स्टैंड, एक कैमरा स्टैंड है, आप इस पर कैमरा या फ़ोन आपको जो भी लगाना है यहाँ पे लगा सकते हो। अंकल जी लोग चाय पी रहे हैं फिलहाल, तो ओनर लोग, ये आप देखो सामने लैपटॉप रखा हुआ है, उसके तो बाजा भी है, घड़ी भी है, एयरफोन भी है, जूता चप्पल भी देख सकते हो आप, यहाँ जूता चप्पल बेचा जाए ऐसा कुछ नहीं है, जो एक ही वस्तु बेची जाती हो यहाँ पे, सब कुछ चश्मा भी मिलेगा आपको, पेन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, घड़ी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कैमरा भी सामने ही रखे हुए हैं, कैमरा भी बेचते हैं भैया लोग। तो अब इस तरफ अगर हम देखें तो फिर इस तरफ बाल को हवा करने वाला मशीन भी है, और ये भी यहाँ बहुत सारे और भी सामान रखे हुए हैं, जैसे भैया जी लोग देखो ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए, देख रहे हैं, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं, घड़ी, लैपटॉप, बाजा और तमाम सारी चीज़ें। और इस तरफ भी सेल वगैरह, बाकी इधर सब इधर के साइड सब नए सामान हैं, इस तरफ पुराने कुछ नहीं, इस तरफ आपको सब कुछ सबके सब। तो हम चलते चलते आ चुके हैं एक दूसरी दुकान पे, तो आपको यहाँ पे वही चीज़ देखने को सेम चीज़ मिलेगी, कैमरा स्टैंड,
कैमरा असिस्टेंट आप देख रहे हैं दादाजी यहाँ पे कैमरा असिस्टेंट पे बोतल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और पेन ड्राइव वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, देखिए ये देखो आप पेन ड्राइव भी ले सकते हो, एयरफोन भी ले सकते हो और चार्जर भी ले सकते हो, डाटा केबल भी ले सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से आके रविवार में ले सकते हो। और ये जिस पर आप मोबाइल लगा के अपना फेस वीडियो बना सकते हो लाइट करने के लिए, वो भी यहाँ पे स्टैंड आपको मिल सकता है। सामने चश्मा वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। तो फाइनली भी हम घूमते टहलते सब कुछ दिखाते उखाते इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान आपको दिखा रहे थे, और मैं आ चुका हूँ अभी जावेद भाई की दुकान पर। ये हमारे जावेद भाई, आप इनके अगर आपको GoPro कैमरा लेना है तो आप GoPro कैमरा इनसे संपर्क करोगे तो आपको GoPro कैमरा या DSLR जो भी आपको चाहिए यहाँ पे वो दे जा सकते हैं आपको। और बाकी तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान इधर भी हैं, आप इधर भी देख सकते हो, और इधर सब सारे नए हैं, इधर पुराना कुछ भी नहीं है। आपको इधर कुछ टार्च वगैरह भी आपको छोटे लेजर लाइट भी आपको भी देखने मिल जाएंगे, डाटा केबल देखने मिल जाएंगे, सब कुछ आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हम वहाँ से दूसरी दुकान पे आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक के भी। फाइनली मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक का ही ओनली फोर दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं कर रहा हूँ पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें बाजे वगैरह भी रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्जर और मोबाइल फ़ोन भी आपको पुराने ज़माने का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल भी आपको यहाँ मिल जाएगा, रिमोट भी आप यहाँ से ले सकते हो। और इस तरफ सामने HP का लैपटॉप रखा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा, बाजा वगैरह भी और सब कुछ ये देख सकते हो आप। और इस तरफ भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ही है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे बड़े वाले एयरफोन, चार्जर, लैपटॉप, बुड्ढी भी आपको सामने देखने मिल सकती है, बुड्ढा भी आके यहाँ से ले सकते हो। और ये रहा यहाँ पे आपको लाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये रहा सामने। और ये भी शायद तक बाजा नहीं है, कोई गर्म करने वाली मशीन है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। और इस तरफ भी वही है, यहाँ पे भी यहाँ पे आप सारे सामान यहाँ पे मिक्स हैं, घड़ी है यहाँ पे चार्जर, यहाँ पे एयरफोन, यहाँ पे लेजर, यहाँ पे लाइट झालर रखे हुए हैं लाइट, फिर इधर कीबोर्ड रखे हुए हैं सब, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, गाइस मैंने आपको रविवारी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, प्रोडक्ट थे, उनको मैंने आपको दिखा दिया है। कि मैंने आप यहाँ पे भाव की बात बिल्कुल भी नहीं की कि क्या भाव में आप आके स्वयं, आप कभी अहमदाबाद से बाहर भी हैं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, अभी कभी भी आप अगर अहमदाबाद आते हो तो प्लीज़ आप रविवारी में अगर आप आना चाहते हो तो साबरमती नदी के बगल में स्थित है ये मार्केट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो यहाँ पे अगर सामानों की बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो सारे सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो भी आपको DSLR कैमरा चाहिए तो DSLR कैमरा, GoPro कैमरा चाहिए GoPro कैमरा, आपको जो भी चाहिए चार्जर, एयरफोन, जो भी आपको चश्मा, पेन, सब कुछ आप कापी किताब, सारे सामान आपको यहाँ पे देखने को लेने के लिए मिल जाएंगे और देखने को भी मिल जाएंगे। और अगर आप अहमदाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो अब तो आपको पता ही होगा कि रविवार में सामान कितना सस्ता और कितना अच्छा भी है। तो गाइस तो मैं आप इस वीडियो को यहाँ से एंड करूँगा, क्योंकि मैं सारा सामान तो आपको दिखा दिया हूँ रविवार में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान थे सारे। तो मैं आपसे फिर दोबारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप यहाँ को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको ऐसे पुराने और ओल्ड सामान और अच्छी मार्केट देखने को मिलते रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस तो चलो हम चलते हैं, अगर आप वीडियो पर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ये आपको चार जो पुतले दिख रहे होंगे, चार पुतले देखने के बाद मुझे ही बहुत अजीब लगे थे, तो मैंने इसका भाव पूछा था, लगभग एक का 2500 और चारों का 10000 भाव बताया गया था मुझे, तो मैं तो भाई अच्छा। और आप जहाँ पे जूता देखते हो, जिसपे गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो मैं अभी जैसा कि आपको बताऊँ लोकेशन एग्जैक्ट, तो मैं अभी खड़ा हूँ रविवारी मार्केट में, जो अहमदाबाद का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, और संडे के दिन, ओनली फॉर संडे के दिन ये मार्केट लगती है, और बहुत ही अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको सारे सामान मिल सकते हैं, आपको जो भी लेना है, आपको लोकन लेना है तो लोकन, बाजा लेना है तो बाजा, या घड़ी लेना है तो घड़ी, कपड़े लेना है तो कपड़े, आपको फर्नीचर वगैरह भी आपको मिल सकते हैं इस मार्केट में, काफ़ी सस्ते दाम में मिल सकते हैं। तो मैं आज आपको वही दिखाने के लिए लेके आया था, बट आज मैं फाइनली अगर आपको कुछ दिखाऊँगा तो ओनली फॉर लोकन की मार्केट दिखाऊँगा, लोकन कहाँ कहाँ बिकते हैं और कैसे कैसे लोकन बिकते हैं दोस्तों, मैं आपको वो दिखाने लगाऊँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,
जिससे कि आपको रविवार या और भी अहमदाबाद के बाकी ऑल इंडिया की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं सारे वीडियो। तो दोस्तों चलो हम देखना करेंगे स्टार्ट की बिना समय गंवाए रविवार में मार्केट लोखन। अगर मार्केट में सबसे बड़ा अगर कोई दुकान लगा लोखन का तो ये सामने आपको दुकान दिख रहा होगा, ये वाला दुकान है सबसे बड़ा दुकान। यहाँ पे कम से कम 4-5 लोग हैं बेचने वाले सामान को, जो 4-5 लोग मिलकर सामान को बेचते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान भी है। तो पहला नंबर है आपको फर्स्ट प्राइज दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो साइकिल की गद्दी भी यहाँ पे रखी हुई है, आप साइकिल की गद्दी आप देख सकते हो, ये रहा, आप इसको भी यहाँ से ले सकते हो, आप लेते ही होंगे लोग, तभी ये यहाँ पे रखा गया। और इस साइड देख सकते हो आप पुराने ओल्ड सामान रखे हुए हैं। फिर बात तावा, जिससे हम रोटी खाते हैं वो तावा, इस तरफ छलनी, इस तरफ कांटा भी रखा हुआ है, जिससे तलो तल सकते हो, तराजू जिसको बोलते हैं, इस तरफ बड़ा वाला कांटा यानी बड़ा वाला तराजू, इस तरफ एक बीच में झूला भी है और इस तरफ बाकी करहिया भी है, कांटा भी इस तरफ रखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख सकता है। एक पाना भी यहाँ पे रखा हुआ है, पाना भी देख सकते हो, ताला वगैरह भी है और डंबल वगैरह भी यहाँ पे, एक साथ देखो डंबल वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये रहा फाइनली चुंबक, ये चुंबक है, ये है चुंबक, यहाँ पे चुंबक भी आप ले सकते हो आके, चुंबक बेचा जा रहा है। और यहाँ पे ये तो मुझे नहीं पता क्या है, पर देख खोदने ऐसा कुछ है, खोदा जाता है इससे, ये खोदने इधर कुदरा रखा हुआ है, कुदरा भी आप देख सकते हो, जंजीर वगैरह भरिए। और अंकल जी सामने देख सकते हो आप बना रहे हैं किसी लोकल को, यहाँ पे तरह यहाँ पे भोजन करने के लिए आटा भी रखा हुआ है, किलो रखा हुआ है, आप 10 किलो से लेके 5 किलो भी है। और इस तरफ जग वगैरह भी रखे, जग रखा हुआ है यहाँ पे, जिससे गाड़ी उठा सकते हो आप, गाड़ी भी है, नए नए नट हैं, पुराने नट भी हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये। फिर बगल में हमारी दूसरी, ये रही लोखन की दूसरी दुकान, बगल में ये रही लोखन की दूसरी दुकान। ये आपको चार जो पुतले दिख रहे होंगे, चार पुतले देखने के बाद मुझे भी बहुत अजीब लगे थे, तो मैंने इसका भाव पूछा तो लगभग एक का 2500 और चारों का 10000 भाव बताया गया था मुझे, तो मैं तो भाई अच्छा। और आप जो जहाँ पे जूता देख रहे हो, जिससे ये सारे लोखन के मार्केट हैं, ओनली फॉर मैं इस वीडियो में आपको लोखन की मार्केट दिखाऊंगा, लोखन की इस मार्केट में लोखन कौन कौन सी जगह बेचा जा रहा है। ये मार्केट के सबसे एंड साइड में है, आपको ये वहाँ देखने मिल जाएगी मार्केट के, अगर बिल्कुल दक्षिण साइड में दूसरी तरफ जाओगे तो आपको ये वाले सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं लोखन वाले। और यहाँ पे आप देखो गाड़ी के लाइट वगैरह भी रखे हुए हैं, गाड़ी के लाइट, यहाँ पेचकस वगैरह भी, आप यहाँ पे देखो पेचकस है, हथौड़ी है, बड़ा वाला पेचकस भी है, पाना भी है, रिंच भी है, छोटे और छोटे पाने भी हैं यहाँ पे, ये देख लो आप बोर्ड वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो मार्केट में हमको भी दिख गया ये खाटला, ये खाटला ही बेचने के लिए आया हुआ मार्केट में, ये खाटला ही बेचा जाएगा और यहाँ पे रखा हुआ है। और ये अंकल जी की दुकान है, यहाँ पे सामने बैठे हुए, इतना बड़ा बड़ा नट भी यहाँ पे रखा हुआ है, डंबल भी है, फिर देखो चप्पल भी है, रेती भी यहाँ पे आपको रेती मिल जाएगी, हथौड़ी, टेंगारी, नेट, और ये आपको बैग में जो पहिए लगाए थे पहिए भी यहाँ पे बिकाए बेचे जा रहे हैं, पहिए भी आपको यहाँ मिल सकते हैं ये वाले। और ये फाइनली मोटर है जो ख़राब हो चुका है, मोटर भी यहाँ पे आज का बिकने के लिए, रिंच। लोखन की मार्केट में जो जो है सारा चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे आपको खोलने के लिए नेट मिल जाएंगे। और ये रहा, यहाँ पे आ गया एक और नया लोखन का दुकान, आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लोखन वाली दुकान, यहाँ पे आपको भट्टी होगी, भट्टी भी देखने को मिल जाएगी, भट्टी जो बड़ी हुई, दो भट्टियाँ बड़ी बड़ी के, तीन डंबल रखे हुए, एक प्रेस रखा हुआ है, जो सबसे पुराने ज़माने का प्रेस हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रेस मैंने पहली बार देखा हुआ है। और फिर इस तरफ आपको वही सारे सामान जो अभी दूसरी दुकान पे थे वही हैं, इस तरफ कुछ अलग वो रखे हुए हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता किस काम में आते हैं, वो तो जो लेता होगा उनको पता होगा। वहाँ पे समय निकालने वाली मशीन, जिससे समय निकाला था, ये बड़ा चार पाना वाला छोटा लकड़ी का थोड़ा, उसके बाद पेचकस, छीनी, आप छीनी देख सकते हो, हथौड़ी भी है, इधर भी पुराना सिलाई मशीन, इधर गैजेट बगल में रखे हुए हैं। तो हम चलते चलते अब आ चुके हैं लोखन की नई मार्केट में, यहाँ पे आपको लोखन के सारे नए सामान मिल जाएंगे, जो भी आपको लेना है और जो भी आपको देखना है, तो यहाँ पे लोखन के सारे नए सामान बोरे में भी रखे हुए हैं और ज़मीन में भी रखे हुए हैं, आपको देख के ले लेना है, पल्ले का सिटकिन ले सकते हो आप, मतलब आपको जो लेना है वो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब मिल जाएगा और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर आप अहमदाबाद से बाहर भी देख रहे हो, तो अगर आप अहमदाबाद में आना चाहते हो तो अहमदाबाद में आके आप पहले लाल दरवाज़ा आ सकते हो, लाल दरवाज़ा के बाद फिर आप साबरमती आना, साबरमती आने के बाद फिर आप रविवार में संडे के दिन ही आना, क्योंकि संडे के दिन ही ये बाज़ार लगती है और संडे के दिन आपको ये सब देखने को मिल जाएगा और लेने को भी संडे के दिन ही मिल सकता है। उससे पहले अगर आप सोचते हो रविवार में आपको ये सब मिलने वाला है तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता है। इस तरफ अब यहाँ पे देख सकते हो ये रहे सारे नट नेट वगैरह भी, कीली वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा
तो अगर बात की लोकन के मार्केट में रविवारी में अगर लोकन मछली मार्केट तो आपको यहाँ पे रेक भी देखने को मिल सकते हैं। ये रेक भी रखे हुए हैं, ये रेक भी बेचने के लिए आए हुए हैं और बेचे जा रहे हैं। और इस तरफ तमाम सारे वही लोकन के पुराने प्रोडक्ट, बट यहाँ पे कुछ नया अलग है। तो ये वाला जो गैस आपको दिख रहा है, बेला वाला गैस चूल्हा वो है, इधर तावा, फिर वही चीज़, वही सारी चीज़ें, ये कितना सारा। तो गाइस, तो हम रविवार में देख रहे थे लोकन की मार्केट, लोकन की मार्केट देखते थे। हमने आपको सारा सारा वीडियो दिखा दिया है और सारे क्लिप भी दिखा दिए हैं। और लोकन की जो प्राइस थी उसकी मैंने बात नहीं की। लोकन मार्केट में आप लोकन की अगर आप मार्केट में लेने के लिए आते हो तो आप स्वयं से उसकी बात करके आप ले सकते हो कि आपको जो भाव प्रोसेस में आप वो ले सकते हो। मैंने खाली आपको दिखा दिया रविवार की सारी लोकन की मार्केट। तो मेरे पीछे आपको देख सकते लोकन मार्केट मैंने एंड इस वीडियो से यहाँ इस वाली दुकान से किया हुआ है और ओपनिंग किसी दूसरे जगह से की थी। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। बट आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो, प्लीज़ आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आप इस वीडियो को हम यहाँ से एंड करेंगे और मिलते हैं आपसे ऐसे कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपको यहाँ पर दिखाऊँ किताब की तमाम सारी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, जिससे आप किताब तमाम सारी किताब फैले हुए यहाँ पे। इस तरफ भी कुछ किताबें ऐसे ही फैले हुए, नीचे भी कुछ किताबें ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखो ये भी आप देख सकते हो, सारे के सारे किताब वहाँ पे आप देख सकते हो। तो किताब के तमाम सारे बंडल रखे हुए हैं। सर गाइस, तो गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं भी आ चुका हूँ फाइनली उसी रविवारी मार्केट में, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो सबसे खास स्पेशल चीज़ है। मैं इस बार आपके रविवारी में बिल्कुल नंबर वाइज नंबर सारी चीज़ बताते जा रहा हूँ। तो वो है बुक की कितनी दुकानें रविवारी में हैं और कितनी खास बुक यहाँ पर मिलती हैं। पुराने हैं सारे बुक, नए भी हैं, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। बट अभी आपसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल पे प्रेस करना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये अपने भाई के लिए करना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलो बिना समय गंवाए हम पीछे का सारा किताबों का मार्केट देखना करके स्टार्ट, क्योंकि दुकानें हो रही बंद हो चुका है। शाम के बजे सारे लगभग 4:30 हो रहा है, शाम दुकानें लोग कर रहे हैं बंद, क्योंकि बहुत सारा फैला के रखते हैं। एक ही किताब को बटोरना पड़ता है सुबह, फिर एक ही किताब को फैलाना पड़ता है दोस्तों। चलो करते हैं देखना स्टार्ट। तो गाइस, तो आपको सामने दिख रहा होगा किताब की एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई, बट अभी किताब उतारा नहीं जाएगा इसके अंदर से। जो किताब है ये किताब पैक हो चुका है अंदर, अभी शाम का समय हो चुका है। मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट हो रही है बंद एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, मार्केट भी बंद। तो ये धीरे धीरे करके किताबों की दुकान पैक हो रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं नहीं चले जाएँ उससे पहले ब्लॉग को शूट कर लेना चाहिए। तो मैं फाइनली देख सकते हो आप यहाँ पे अंकल जी जो किताबों को सुबह ऐसे आके खोलते हैं, फिर रविवार के दिन और शाम को टाइम आकर बटोर देते हैं ऐसे ही। तो आपको यहाँ पे दिखाऊँ किताब की तमाम सारी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, जिस तरफ किताब तमाम सारी किताब फैले हुए यहाँ पे। इस तरफ भी कुछ किताबें ऐसे ही फैले हुए, नीचे भी कुछ किताबें ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आप देख सकते हो, सारे के सारे किताब वहाँ पे आप देख सकते हो। किताब के तमाम सारे बंडल रखे हुए हैं, आपको जो किताब चाहिए वो किताब मिल सकता है, आपको जो देखना है आपको वो किताब भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। और मैं तो फाइनली आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। तो ये देख सकते हो आप, किताब मोटे भी हैं और पतले भी हैं, और शायरी वाले भी किताब हैं और नॉलेज वाले भी किताब हैं और कॉमेडी वाले भी किताब हैं। आपको यहाँ पे सारे किस्म के किताब मिल जाएंगे देखने के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर किताब है। ये देख सकते हो आप, इसमें छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और ये किताब देख सकते हो कितनी मोटी किताब है, ये छोटी है बट कितनी मोटी है किताब, ये भी हो गया। और यहाँ पे आपको टाई वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे टाई होता है आपको अपने, ये हो गया किताब की इतनी बड़ी बंडल यहाँ पे, ये भी है, ये पैक हो चुका है सारा किताब, खाली उठा के गाड़ी में डालना है इन किताबों को, बाकी सारा इनका काम हो चुका है शाम, इसलिए सब कुछ। दो दादाजी भी अंदर झोले में रख रहे हैं बुक, तमाम सारे बुक। मैं थोड़ा लेट हो रहा था बट पहुँच गया टाइम से, कोई बात नहीं, वीडियो शूट कर ले रहा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये अहमदाबाद की रविवारी मार्केट है, जो साबरमती के किनारे पे स्थित है। और यहाँ देख सकते हो अंकल जी इसको पलट दो ना, अंकल जी देखो पलट के डिजाइन देख रहे थे इसके अंदर, तमाम सारे फूल वगैरह और सब कुछ इसके अंदर, सेंटर डिपॉय है, सब कुछ आप मतलब इस किताब के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जो जो आपकी इच्छा है सब सारी चीज़ें। तो ये हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तमाम सारी किताब की, इधर भी इधर सारे नए किताबें हैं, पुरानी किताब इधर नहीं है।
सब नए किताब डायरी वगैरह भी है यहाँ पे। आप ये देखते हो, आप डिजाइन कर सकते हो, इसके अंदर डिजाइन बना सकते हो, डिजाइन काफ़ी पहले से ही डिजाइन बने हुए हैं ये रहे। और यहाँ पे डायरी, डायरी भी है ये रही, डेट बाई डेट इसमें आपको डायरी मिल जाएगी, सारे डेट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे देखते हो अल्ट्राटेक का पहले से इसमें एक फ़ोटो चिपका दिया गया है, ये मार्केटिंग है अल्ट्राटेक की, इससे पहले से इसमें डायरी के अंदर चिपका दिया गया। और आपको छोटे डायरी भी, इस तरफ आपको पैड वगैरह भी मिल जाएंगे, ये देखते हो आप यहाँ पे पैड है, इस तरफ कपड़ा भी रखे हैं अंकल, दोनों काम साथ साथ अंकल जी कर रहे हैं, भैया जी लोग कर रहे हैं, उधर कपड़ा बेच रहे हैं सामने से, और इधर सामने से बुक भी बेच रहे हैं, जिसको बुक लेना है वो बुक ले रहा है, जिसको कपड़ा लेना है वो कपड़ा भी ले रहा है। तो भी आ चुका हूँ मैं दूसरी दुकान पे, आपको दुकान भी दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे इस तरफ भी कपड़े की बुक की दुकानें थी, ये जो पट्टा दिख रहा है आपको इस पर भी बुक की दुकान थी, बट साइड वो लोग दुकान बंद करके चले गए क्योंकि शाम हो चुका है इसलिए। तो इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये किताब है, रामायण की किताबें हैं, बच्चों के लिए भी किताबें हैं, बिजनेस लाइन की भी किताबें इधर रखी हुई हैं, ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे बोरे में किताब पहले से भर दिया गया क्योंकि शाम हो चुका है इसलिए, और हमसे शायद वो छूट गया यहाँ पे। और इधर भी किताब के तमाम सारे ऐसे लाइन लगे हैं, ये किताबें मैं इस वीडियो में किताब के नाम नहीं लूँगा, खाली आपको दिखा दूँगा बस, और कुछ और ज़्यादा प्राइस की बात नहीं करूँगा कि प्राइस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किताब भी परचेज़ भी किए जा रहे हैं, कुछ किताबें नीचे भी गिर गई, बट अंकल जी को पता ही नहीं अभी तक कि नीचे भी किताब गिर गई है, तो उसको उठा लें। यहाँ ज़मीन में भी किताब के दुकान खोल के रखे गए हैं, ये सारे जो किताबें हैं ये बच्चों के लिए हैं। वहाँ देख सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक किताब है, वहाँ पर किताब है रामायण की किताबें हैं, जिस तरफ कुछ सिस्टर लोग, बहन जी लोग किताबें खरीद भी रही हैं। और इस तरफ भी एक नई किताब की दुकान, यहाँ पे डायरी 2022 की जो डायरी है वो आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो आप अपना डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आप ये ले सकते हो, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। इस तरफ भी उससे भी अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आप ले सकते हो, थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा। और यहाँ पे छोटे छोटे किताब भी हैं जो ग्रंथी किताबें हैं, ये है। सो गाइस, मैंने आप लोगों को रविवारी में बुक की जितनी भी दुकानें थे और जितने भी प्रकार के बुक थे वो सब कुछ दिखा दिया है, और सब कुछ बता भी दिया कि आपको इस यहाँ पर कितने प्रकार की बुक और कैसे कैसे बुक आपको यहाँ मिल सकते हैं, और कितने सस्ते भाव मिल सकते हैं, नए भी मिल सकते हैं और पुराने भी मिल सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, और फाइनली एक छोट बुक के दुकान पर आके खड़ा हो चुका हूँ, और मैं अब इस वीडियो को यहाँ से एंड करूँगा क्योंकि रविवारी में ज़्यादा दुकान बुक की लगती है, चार पाँच दुकानें हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दुकानें होती हैं और लगाते भी हैं वो लोग बुक की। तो मैं अब फाइनली अपने आप में एक बुक लेके दिखाऊँ, इसके बुक को लेके ही मैं वीडियो पॉइंट करूँगा। तो गाइस, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरे, जैसे कि आपसे पहले ही बताया था कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको अहमदाबाद बाकी अदर इंडिया की सारी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल से मिलती रहें। तो चलो वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा।